आज अगर जिंदा है तो नरेंद्र मोदी का देश है। अगर नरेंद्र मोदी अपना कोविड वैक्सीन का इश्तेहार नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं लगाता। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री रामस्वरूप राय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में रामस्वरूप राय प्रधानमंत्री मोदी के सामने खूब कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं, अगर आप सभी जिंदा हैं तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी की देन है। नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री रामस्वरूप राय ने प्रवास कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर जिले के औराई में लोगों को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। रामस्वरूप राय ने कहा कि कोरोना काल में हर देश की हालत खराब थी, पड़ोसी पाकिस्तान की हालत भी टीवी और मीडिया के जरिए सबने देखी है। राय यही नहीं रोके, उन्होंने आगे कहा कि जब हालात इतने खराब थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त में सभी का टीकाकरण कराया है। आज अगर आप जिंदा हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। नरेंद्र मोदी ने फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। विकास का काम हो रहा है और लोगों में उत्सुकता बढ़ा है, और विकास होना चाहिए और मजबूती से होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरकार एक व्यवस्था के तहत चलती है, सरकार धीरे धीरे सब काम कर रही है। पहले आपका आपदा जान माल का सुरक्षा करते हुए जो पैसा बचते हम विकास करते हैं। दो तीन सालों में अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया है कोरोना के कारण, फिर भी आपका देश बहुत सारे देश में तो स्थिति है। आप पाकिस्तान के लोगों से बात कर लीजिए, सब लोग टीवी मीडिया के माध्यम से देखते हैं, लेकिन फिर भी आप भारत में सुकून और चैन से हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज अगर जिंदा है तो वो नरेंद्र मोदी का देन है। अगर नरेंद्र मोदी अपना कोविड वैक्सीन का इश्तेहार नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं लगाता, जिस तरह से वो ऐसा जो एक साल पहले वाला जो कोरोना था, सबसे पहले वाला कम था, बीच वाला जो कोरोना आया था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अपने परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग, दोस्त जिसके घर में नहीं मरा। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से जारी खींचतान के बीच बिहार में बीजेपी की ओर से प्रवास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री रामस्वरूप राय ने इसी कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र में प्रवास के लिए पहुंचे थे। औराई क्षेत्र में अपने प्रवास के दौरान बिहार सरकार के मंत्री रामस्वरूप राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। बता दें, कोरोना में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक रहा है। भारत में अब तक कुल 4.4 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 5.26 लाख लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत हुई है। दूसरी लहर में भारत में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, तब ज्यादातर राज्यों में अस्पतालों में बेड मिलने की दिक्कत आ रही थी। हालांकि भारत में तेजी से वैक्सीनेशन हुआ, जिससे स्थिति काबू में आई।